नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बाथरूम बनाने में कितना खर्चा आया, मटेरियल का क्या नाम है, मार्बल का क्या नाम है और बाथरूम की क्या साइज़ है। और ये विनियर देख रहे हैं जो ड्रेसिंग में लगा हुआ, बहुत ही हाई क्लास के क्वालिटी के ये विनियर है। अब चालू करते हैं अपना बाथरूम। जैसा कि आप बाथरूम में ये फ्लोरिंग देख रहे हैं, वाल देख रहे हैं, इसमें जो डार्क कलर का जो मार्बल देख रहे हैं इसका नाम है फ्रेंच इफानो। और बाथरूम की साइज़ है 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा। और बीच में जो बॉर्डर लगा हुआ है इस पत्थर का नाम है इंपीरियल वाइट भी बोलते हैं इसको, गोल्डन स्पाइडर भी इसका नाम है ये बॉर्डर जो लगा हुआ है। अब इसकी प्राइस की बात करें तो फ्रेंच इफानो की प्राइस है 450 रुपये पर स्क्वायर फीट, 450 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इस मटेरियल का प्राइस है। और अगर हम पूरे बाथरूम में की बात करें तो इसमें कितना मटेरियल लगा हुआ है, देखिए आपका 60 फीट तो बाथरूम की फ्लोरिंग में लगा हुआ है और वाल में 320 फीट ये मटेरियल लगा हुआ है। डोर लेस नहीं किया क्योंकि इसमें काउंटर ऐड नहीं किया है। तो अगर आप ऐसा बाथरूम बनाते हैं तो आपका लगभग मटेरियल हो जाता है 400 फीट। अगर आप 400 फीट से 450 से गुणा करेंगे तो आपकी मटेरियल की कॉस्ट आएगी 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपीज़ मटेरियल की कॉस्ट आएगी। अब इसकी लेबर की हम बात करें तो लेबर में आप जितना डिजाइन डलवाएंगे उतना ही आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। अगर प्लेन काम आप करते हैं तो आपकी रेट कम लगेगी। अब हम टोटल अगर इस बाथरूम की बात करें तो ये बाथरूम जो आप बनाएंगे अगर ऐसे ही सेम मटेरियल में 2,60,000 रुपये एस्टिमेट प्राइस बता रहा हूँ आपके आइडिया के लिए, ये खर्चा आपको आने वाला है। और एक आप इसके साथ में ड्रेसिंग की भी डिजाइन देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।